हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में सिलाई में जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए सूट कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, निशान लगाना है बिल्कुल फिटिंग वाला। तो यहाँ फिटिंग वाला हमने निशान लगा लिया। उसके बाद फिर डेढ़ इंच पे एक्स्ट्रा मार्क लगाना है जो कि मार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने मार्जिंग के लिए ये वाला निशान लगा दिया। फिर डेढ़ इंच नीचे के साइड और जिधर चाक फोल्ड करते हैं वहाँ वाला भी निशान लगा लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक निशान लगा देंगे, इसमें एक इंच का इसमें गोलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने गोलाई लगा दिया। उसके बाद अब गला, तो गला बड़ा छोटा आप इसमें कर सकते हैं, बट मुझे जो नाप है वही नाप का बनाना है। तो यहाँ पे गला का निशान हमने लगा दिया। अब शोल्डर में हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने डाउन करके निशान लगा दिया। जो नए हैं जिन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, ये वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। आप कर लेते हैं कटिंग, तो बिल्कुल झटपट वाली मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से सबसे आसान तरीका से ये वाला कटिंग होगा। अब इधर के साइड ऐसे हल्का गोल शेप में देते हैं तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे दोनों पल्ला एक साथ ही, दोनों आगे और पीछे का पार्ट छोड़ा है कटिंग, आगे पीछे दोनों गला सेम कटिंग करके, और आगे या पीछे अगर आपको बढ़ाना घटाना हो तो कर सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह भी कटिंग कीजिएगा बहुत आसानी से। अब क्या करते हैं, हमें आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर लिया ऐसे, ये देखिए सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ। उसके बाद हमें कटिंग करना है बाजू और गले की पट्टी। तो ये कुर्ती की कटिंग हुई। अब चलिए बाजू निकालते हैं और इसके दोनों पल्ला को इसी में साथ में है। अब बाजू कैसे निकलेगी वो देखिए, यहाँ से जो साइड से कपड़ा निकला है उस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया। कम ज़्यादा है तो आप जॉइंट लगा लीजिएगा, अगर आपको छोटा रखना है जितना भी कपड़ा निकलता है उस हिसाब से आप, तो मुझे इससे थोड़ा छोटा बनाना है। तो यहाँ पे अगर जॉइंट कर लेंगे तो लंबा भी हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा कितना बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर बाजू का गुलाई वाला निशान लगा दिया, यहाँ पर मार्जिंग वाला निशान लगा दिया। अब इसको कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर ये वाला कटिंग हो गया बाजू का। दोनों आगे पीछे का सेप हम कैसे देंगे वो देखिएगा। तो दोनों बाजू को अलग अलग करने के बाद निशान लगा लेंगे आगे के साइड। आगे के साइड में ही गोलाई का सेप दिया जाता है हाफ हाफ इंच का। तो ऐसे करके कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया हाफ हाफ इंच। अब गला का पट्टी आगे और पीछे दोनों का कटिंग कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पर हमें आगे वाला पल्ला ले लिया है, बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है दोनों को, ताकि बड़ा छोटा ना हो। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बराबर करके रख लिया। अब करेंगे कटिंग इसकी। तो फ्रेंड्स, आर्म होल में भी हाफ इंच का गुलाई दे देना होता है आगे वाले पल्ले में। तो इसमें गुलाई दे दिया, ऐसे बाजू लगाइएगा तो आपकी बिल्कुल फिट बैठेगी और फिनिशिंग से बैठेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से आगे में हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आगे में गले में पट्टी हमें लगाना है। तो ये वाला पट्टी भी लग गया है। अब दोनों का पट्टी कटिंग कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा है वो हमने डबल करके इस पे रख लिया। अब दोनों पट्टी कटिंग कैसे होगी वो देखिए, बिल्कुल बराबर से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक एक इंच पे इसको भी हमने कटिंग कर लिया। ये आगे का पल्ला हो गया। अब पीछे वाले पल्ले का गला का पट्टी, तो पीछे वाले पल्ले को भी बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बराबर से रख लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं गला की। तो जो सिलाई में नए हैं पूरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पीछे वाले के भी गला की कटिंग ऐसे कर देना है बिल्कुल बराबर से रखते हुए। ये देखिए पट्टी ऐसे कटिंग होती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों पट्टी कटिंग हो गई आगे पीछे के गला की। यहाँ पे हमने रख लिया। यहाँ रखने के बाद आपको पूरी व्यू दिखा दी, तो वीडियो पसंद आई होगी पूरी फुल वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।